काम नहीं करते हैं उनको अच्छा से रिलाई करने वाला सानो बिहार मनीष कश्यप के नाम से जाना जाता है और उन्हीं को रेलते हैं जो सही ढंग से नहीं बनाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सानो बिहार का। अभी टोटल फेसबुक में यूट्यूब में ट्रेंडिंग चल रहा है मनीष कश्यप का। आप लोग को पता ही होगा कि दोस्तों मनीष कश्यप तमिलनाडु से अभी बिहार बेतिया कोर्ट आया है। और आप सब लोग को पता है क्यों नहीं आवाज़ उठाएं दोस्तों, क्योंकि हम समर्थन करते हैं उनका सत्ता का, जो सच दिखाने वाले सभी लोग सपोर्ट करते हैं, या अच्छे हो या कोई गलत को सपोर्ट करते हो तो कोई अच्छे को सपोर्ट करते हैं, पर खास करके आधा अच्छे लोगों ही सपोर्ट करते हैं दोस्तों। इसी तरह दोस्तों अभी आप लोग को हम दिखा रहे हैं कि रेलवे स्टेशन में कितना पब्लिक है और उसके प्रशासन आगे पीछे कितना है, आप देख ही सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम चंदन। दोस्तों चैनल पर पहले और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मनीष कश्यप के बारे में। आप लोग पता है कि मनीष कश्यप के समर्थन में अंकित जो इनका पूरा समर्थन कर रहे थे और आज सच में पेश किया 7 तारीख को बिहार के बेतिया कोर्ट में, पेश हुआ। और आप देख रहे हैं कि हमारे YouTube चैनल चंदन सुपर में, तो आप लोग भी सपोर्ट करते होंगे तो ज़रूर सपोर्ट करें। और अभी तक उनका अब जिस दिन वो निकलेंगे बेतिया कोर्ट से तो उस दिन धमाल मचा के ही निकलेंगे, और क्योंकि जो सच है वो सच तक दिखाएंगे, या यूपी हो या झारखंड हो या अदर स्टेट हो, हर जगह का ही वीडियो सपोर्ट करते हैं। खास करके दोस्तों हम लोग सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो गरीब का ज़्यादा गरीब का वीडियो अधिकतर बनाते हैं। दूसरा है तो मनीष कश्यप वो सन ऑफ बिहार है जो गरीबों का आवाज़ उठाते हैं दिन रात। हर जगह आप कहीं भी जाइए मनीष कश्यप का आवाज़ गरीबों तक पहुंचता है, गूंजता है। वो शेर है मनीष कश्यप वो सन ऑफ बिहार है जो सही तरीके से सही ढंग से जो अच्छा से काम नहीं करते हैं उनको अच्छा से रिलाई करने वाला सानो बिहार मनीष कश्यप के नाम से जाना जाता है और उन्हीं को रेलते हैं जो सही ढंग से नहीं बनाते हैं। और यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।